हेलो एवरीवन ऑल इन वन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है आज मेरी वीडियो होने वाली है डॉग्स के ऊपर डॉग्स के मेडिकेशंस के ऊपर उनके वैक्सीनेशनस के ऊपर क्या क्या वैक्सीन देना चाहिए कैसे वून्स को ट्रीट करना चाहिए कैसे फ्लीज़ को ट्रीट करना चाहिए कैसे फ्लीज हटाना चाहिए आज मैं खुद आपके सामने फ्लीज़ हटाऊँगा डॉग्स का फोसेप से और आपको दिखाऊँगा कि कैसे ट्रीट करना चाहिए फ्लीज़ को क्या स्प्रे करना चाहिए उसके ऊपर प्लस कौन सा विटामिन देना चाहिए डॉग्स को तो करते हैं वीडियो स्टार्ट अगर आप डॉग्स के लिए कोई अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं मेरे पे नंबर पर जो कि है एट वन सेवन जीरो सिक्स वन सेवन जीरो एट कोई कंपलसरी नहीं है आपको जितना डोनेट करना है आप कर सकते हैं डोनेट जो कि ये पूरे वेलफेयर के लिए डॉग्स के डॉग्स के तो आपकी मर्जी है जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हेल्थ कार्ड रिपोर्ट है डॉग्स का जिनको मैं संभालता हूँ और मैं आसारी बोल के हॉस्पिटल है डॉक्स का वहाँ से करवाता हूँ सारी ट्रीटमेंट और ये वैक्सीन्स हैं जो लगे हैं मेरे पास चार रिपोर्ट कार्ड है अभी मैं एक ही दिखा रहा हूँ आपको ये चारों बहुत ज़्यादा एसेंशियल है डॉक्स के लिए आफ्टर थ्री मंथ्स कराना चाहिए ये डिस्टेंपर वैक्सीन्स है और विटामिन के वैक्सीन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्टेंपर एक बहुत ख़राब डिजीज़ है इट्स लाइक कैंसर फॉर डॉग्स अगर सपोज़ कोई भी डॉग को डिस्टेंपर हो गया तो उसका जीना बहुत मुश्किल है तो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और आपको कोई भी डॉग का स्पेइंग कराना है कोई भी फीमेल का स्प कराना है आप करा सकते हो यहाँ से और वैक्सीन ज़रूर दीजिएगा अपने डॉग्स को पपीज़ को ताकि बाद में चल के उनको कोई इशू नहीं हो धूप आप देख सकते हो बाहर कितनी ज़्यादा धूप है और बहुत वीडियो मेहनत से बनाता हूँ और इस धूप में ही बना के दिखाऊँगा आपको वीडियो काइंडली लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हर वीडियो बहुत मेहनत से बनती है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं डॉग को रोटी खिला रहा हूँ उसके ऊपर हल्का सा घी लगा हुआ है और गुड़ है कुछ भी मीठा देने से खा लेते हैं ऐसा नहीं है कि चिकन ही खाना है रोटी पूड़ी कुछ भी खा लेते हैं वैसे ही ट्रेन किया हूँ मैं बहुत शौक से खाते हैं रोटी भी जैसा आप देख रहे हो ऐसे ही ध्यान रखिए अपने स्ट्रीट डॉग्स का चिकन नहीं तो आप रोटी भी दे दो चलेगा आप सब देख पा रहे होंगे किसी को टिक्स बोलते हैं फ्लीस बोलते हैं जो कि खून चूसता है और इफ़ेक्ट करता है आप सब देख पा रहे होंगे ये जो छोटे छोटे हैं दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं डॉग्स पे लिवर ख़राब हो सकता है डॉग मर भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा ये बॉडी में घुस गया तो ये तो कुछ भी नहीं है बहुत सारा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ अकेला हूँ इसलिए इतना ही दिखा पा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे कान के ऊपर जो है ये सब टिक्स है जो कि मैं फोसेप से निकालूंगा सारे ये जो छोटे छोटे हैं ये बहुत ही ख़राब है डॉक्स के लिए और ये आते ही आते हैं स्पेशली बारिश जब होता है तब बारिश के टाइम में इसके पॉज के बीच में भी हो रखे गैप जो है इसमें एक हाथ से वीडियो ले रहा हूँ एक हाथ से पाओ पकड़ाऊं तो शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है जैसा आप देख सकते हो पॉ के बीच में आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे सब फ्लीज है और पूरे बॉडी में हो रखे हैं कि ये तो मैं काफ़ी निकाल दिया हूँ ऑलरेडी पॉसिबल नहीं था एक, एक चीज़ दिखाना आप देख सकते हो ये जो बड़े बड़े हैं ये सब इसे फ्लीज बोलते हैं तो इसी का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ आप फोसेप से निकाल सकते हैं इसे और बहुत जेंटली निकालिएगा ताकि डॉगी को लगे नहीं पेन नहीं हो बॉडी से चिपक जाते हैं पूरी तरह से तो थोड़ा आपको जोर भी लगाना पड़ेगा फोसेप से जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में है फोसेप्स ऑलरेडी तो इसी से मैं निकालता हूँ और इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा स्प्रे आप लगाइए डॉग्स के ऊपर ताकि ये नहीं आए वापस और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप ख़रीद सकते हो अमेज़ोन से प्रोडक्ट जब भी डॉग को लग जाए चोट या खून निकल रहा है कोई बाइट कर दिया है कोई और कोई डॉग अटैक कर दिया है ब्लड निकल रहा है या कोई रेड रेड मार्क हो रखा है वहाँ पर आप हल्दी अप्लाई करिए थोड़ा सा हल्दी को गीला करिए गाढ़ा करके लगाइए और उससे एक डॉग एकदम ठीक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे भी लगाइएगा दो तीन बार परफेक्टली ठीक हो जाएगी डॉग जैसा आप देख सकते हो ये हर्बाटिक पेट ये है विटामिन डॉग्स के लिए जो कि आप देख सकते हो डॉग को या एंटी एंटी फ्ली सोप है डॉग्स के लिए जो कि आप देख सकते हो या एंटी फ्ली स्प्रे है डॉग्स के लिए जो कि बहुत अच्छा है इससे फ्लीस कम हो जाएगा टिक्स कम हो जाएगा और ये है इस खुद का खुद से बनाया हो मैं ये स्प्रे डॉग्स के लिए एंटी फ्लीज और यह है ट्यूब जिससे मैं हर्बाटिक पेट सिरप ये जो विटामिन है इसी से पिलाता हूँ डॉग्स को ट्यूब से ही उनके मुंह में डाल के तो अब ये सब चीज़ आप दे सकते हो अपने डॉग्स को सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा तो एवरी आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे डॉग्स को नहलाता हूँ उनके सोप से जो है जो कि मैं आज दिखाया एंटी फ्ली सोप है एंटी टिक सोप है तो प्लीज़ प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू